फॉर टुडे आई वुड लाइक टू से सॉरी सॉरी इसलिए कि बहुत दिन हो गए थे कोई वीडियो नहीं आई, वो इसलिए क्योंकि जो मेरा फ़ोन था जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता था वो फ़ोन अल्लाह को प्यारा हो चुका था, और अल्लाह को प्यारा होने के बाद मेरे पास और कोई चीज़ नहीं थी जिससे मैं कोई ब्लॉग बनाता। ये कैमरा एक मुझे मिल गया, घर में एक पुराना कैमरा पड़ा हुआ था मैंने। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ पहले से ही, इस कैमरे में ये नहीं पता चलता, मतलब एट अ टाइम रिकॉर्डिंग करते हुए आपके पास कोई स्क्रीन नहीं है जिसमें आप देख रहे हो, तो मुझे नहीं पता इस फ्रेम में क्या आ रहा है। अभी मैंने लास्ट वीडियो जो लास्ट सीन आपने देखा था मैंने रिकॉर्ड करके अब देखा तो वो बहुत ज़्यादा जूम इन हुआ हुआ था। तो ये वो कैमरा है जो आज मैंने उठा लिया है और अब मैं इसी कैमरे को यूटिलाइज़ किया करूँगा कुछ दिनों तक, और यार मैं इसी कैमरे से रिकॉर्डिंग करूँगा। आखिर एक वो फील आएगी कि यार वाकई में मैं कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हालांकि इस ये कैमरे का रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा क्योंकि ये बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी कम से कम मेरा काम चल जाएगा। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मुल्तान स्ट्रीट फूड, जो वीडियो बनाने के बाद एडिट करने के बाद जब मैंने अपने दोस्तों में शेयर की तो वो वीडियो मेरे दोस्तों में भी कुछ दिन तक तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी बनी रही थी, और पर्सनली मेरे ओपिनियंस भी उस वीडियो के बारे में बहुत बुरे थे, मुझे वो वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मुझे अपलोड करनी पड़ी क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल की रेटिंग्स भी डाउन है। यार अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। वो जो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा गंदी बनी थी और मुझे खुद को भी अच्छी नहीं लगी थी, तो उस वीडियो का जो रिग्रेट था ना वो रिग्रेट ख़त्म करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आज फिर से कोशिश तो यही है कि एक रिव्यू बनाऊंगा, फूड रिव्यू करूंगा आज भी, तो स्टे ट्यून्ड। तो यार जैसे कि मैंने बात की है फूड रिव्यू बनाना है, और ये फूड रिव्यू बनाने के लिए जो मुझे हामी भरी है वो एक दोस्त है मामून नासिर खान, जान भी लगा दें साथ में, तो उस दोस्त के घर फिलहाल जाना है क्योंकि वो भाई ऐसे हैं कि एक तो घर परले कोने में मुल्तान के, नंबर टू फ़ोन कभी नहीं उठाना भाई का, फ़ोन सोशली बायकॉट है हमसे कि भाई फ़ोन तो उठाना ही नहीं है, तो फिलहाल उनके घर जाना है और उनके घर जाके फिर देखते हैं क्या करना है, तो तब तक के लिए आप लोग भी। यार मैंने कहा था ना मैं मामून भाई के घर जा रहा हूँ, ये मामून भाई हैं, आज का जो प्लान था टिड्डा लग रहा मैं अब बड़े हैं तो बड़े हैं तो खैर जो आज का प्लान था उसकी मामून भाई ने मदर और सिस्टर वन कर दी है, तो मामून भाई आप खुद ही बता दो। मैं बिहाइंड द कैमरा, एक्चुअली मैं जा नहीं सकता, ऊंचा बोले इसका माइक बहुत ख़राब है। एक्चुअली मैं जा नहीं सकता तो आज हम नहीं जा रहे बस। आप क्यों नहीं जा सकते सर, फिर आपने आज हमें बुलाया क्यों? मैंने मना कर दिया था भाई मेरी। क्या इसने मना किया था? आई गेस तो तूने भी नहीं बताया। किसी कोने वाले खोके पे बैठ के ना 20 रुपए के छोले लेके 5 रुपए वाला नान लेके नाश्ता करके पेट भर के, 5 रुपए की रोटी भी तुम्हें मिलवा दूँ। मेरे घर के पास से मिलती है यार, यहाँ से भी मिलती है। यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, तो मैं बता दूँ कि प्लान था क्या। प्लान ये था कि हम मामून भाई के घर जाएंगे, उनके साथ मुल्तान के अंदरून शहर में एक जगह है जहाँ पे जो उनको ही पता थी, और वहाँ पे जाके हमने नाश्ता करना था और नाश्ता का एक फूड रिव्यू बनाना था। लेकिन हुआ ये कि मामून भाई के फैमिली में से कोई उसी दिन पिछली रात को हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, तो मामून भाई को मतलब नहीं आ सकते थे, वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। लेकिन उन्होंने बताया था अब्दुल्ला भाई को, अब्दुल्ला भाई को पता था कि प्लान कैंसिल है, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ। तो फिलहाल हम उस प्रैंक का शिकार हो गए हैं और अभी बस नहीं जा रहे, कोई प्लान ख़त्म। तो ये फूड रिव्यू जो था ये पेंडिंग है, उम्मीद है जब मामून भाई फ्री होंगे तब हम एक दफ़ा ज़रूर बनाएंगे। मामून भाई इन द एंड मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि आप कैमरे की तरफ हाथ लगा के कह दें कि हमारे साथ प्रैंक हो गया? कह सकते हैं इस बंदे ने की है, मैंने तो इसे बता दिया सही। कितने फोन किए मैंने आपको, मैं आपको वो गिनवाऊं? नहीं प्रैंक उसने किए, एक मिनट में सारे खाते पूरे कर दूं। मामून भाई ने तो दे दिया हमें 2-2-11 करवा दिया, तो अब बस दो नाश्ता। यार अब मामून ने तो हमें धोखा दे दिया, वो नाश्ता भी करना है भूख लग रही है, क्या नहीं चलते यार मेरे दोस्त होटल में ही चलते हैं। तुमने कहते थे बस ठीक हो गया, चलो चले।
जिस रेस्टोरेंट की अब्दुल्ला भाई बात कर रहे थे वहाँ आ चुके हैं। जो चीज़ें हम खाने आए थे नाश्ते के समझ के, जूम बहुत ज़्यादा वो हुआ होगा। सही है, सही नहीं है, मुझे भी पता है। तो बस जो हम खाने आए थे वो है ही नहीं, पता चला कि 9 बजे वो ख़त्म हो गए। शॉर्ट वही है कि बात अब क्या करना है, ये ब्लॉग पूरा करना। वैसे तो बहुत गंदा जा रहा है क्योंकि इस कैमरे में यार पता ही नहीं चल रहा कि फ्रेम में क्या क्या आ रहा है। हमारे पास तो फ्लिप स्क्रीन है, इसमें तो नहीं है। खैर मेरे ख्याल है यहाँ आए थे नाश्ता करने, पहले मामून भाई ने नहीं करवाया, अब यहाँ आए तो यहाँ पे भी नाश्ता नहीं है भाई। मतलब नाश्ता तो है लेकिन जो चीज़ हम खाने आए थे वो चीज़ ही नहीं। चलते हैं कहीं और। बोलना शुरू करो बोलो। मैंने एक और ब्लॉग बनाया था तब भी उसने ये भी आगे चबले मारी थी, मैं ही बोल रहा था आलू के पराठे हमें और तो किससे मिलेगा थे, लेकिन आज यहाँ से फाइनली मिल गए हैं। और आलू के पराठे ही खाने थे और नहारी भी खानी थी, नहारी भी नहीं मिल रही, शायद इसकी वजह से शॉर्टेज है। आलू के पराठे मिल गए हैं वो खाएंगे, और मुझे पता है वॉइस नहीं आ रही होगी, रिकॉर्ड हो रही होगी, जैसे भी गुजारा करेंगे। व्लॉगिंग व्लॉगिंग भाई भाई, व्लॉगर व्लॉगर भाई भाई, लेकिन भाई के पास डी एस एल आ रहे हैं, इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। चलो बताना आज हुआ क्या है, ये तो बता जरा नाश्ते का। हो गई है सर पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ना, नाश्ते से फारिग हो गया ना। अब इन भाई की फरमाइश है कि सर्वाइवल जाके गेमिंग करी, बिल्कुल नहीं है मेरी है, चलो इसकी है, इसने सारे इल्जाम मान लिए हैं। वैसे फरमाइश मेरी थी, फरमाइश मेरी थी, लेकिन इल्जाम इसने अपने सर ले लिया है। बारह नहीं है, नहीं आगे होगा। बताना ये था कि हम सर्वाइवल जा रहे हैं गेमिंग जोन, सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी हम बैठे हुए हैं सर्वाइवल गेमिंग जोन में, और सर्वाइवल गेमिंग जोन में एक मैच कोर्ट का लगा था जो ये भाई जीत गए, बच्चे हैं ये लोग। मैं सेकंड आया था और सिर्फ पिछले के आप लोग तो एक्सक्यूज ही समझोगे, लेकिन मेरी क्लास का थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया था, वो क्लास सेट करनी होती है ना कोर्ट 4 में, तो वो मैं मल्टीप्लेयर में कर नहीं सका, इन लोगों ने पहले सर्वर स्टार्ट कर दिया।